पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मम्मी, ये चोट कैसे लगी? बहुत दर्द हो रहा है क्या? चोट गहरी है चिरा, सब दर्द तो होगा ना। अब मैं आप सबको इनकी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ। He is suffering from CT, यानी chronic traumatic encephalopathy. A CT is a brain disorder. बार बार सर पे चोट लगने के कारण जनरली ऐसा होता है। इनके फेलो प्रिजनर ने इनके सर पर कई बार हिट किया, उस कारण इनकी ऐसी हालत हो गई। लेकिन ये बोल तो सकेंगे ना, अपने पैर पे खड़े तो हो सकेंगे ना? देखिए, इनके कुछ ब्रेन सेल्स डीजेनरेट हो गए हैं, तो इनके सोचने की, कुछ भी महसूस करने की, चलने की कैपेसिटी अफेक्ट हुई है। हिज मोटर फंक्शंस आर अफेक्टेड। बोलना, चलना, बैलेंसिंग जैसी सामान्य क्रिया भी अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा मूड स्विंग, डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अग्रेशन जैसे सिम्टम्स भी दिखेंगे। इन्हें कॉन्स्टेंट निगरानी की जरूरत है। ये कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, आपसे किसी भी तरह से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स आपको हर 2-3 घंटे पे इनको पानी या खाना देना होगा, टॉयलेट ले जाना पड़ेगा। मैंने कुछ दवाइयां लिख के दी हैं, जो कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ऐसे केसेस में सबसे अच्छी दवाई परिवार का प्यार साबित होती है। आपके इमोशनल सपोर्ट और रेगुलर केयर से ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए इनका रिलीज ऑर्डर। मुझे समझ नहीं आता आप क्यों करते हैं ऐसा बिचारी पुष्पा के साथ। बापोदरा की प्रॉपर्टी है, बापोदरा की मर्जी। थकते नहीं है आप? हाँ, पहले चिराग, फिर प्रार्थना और अब पुष्पा। अरे बस कीजिए, बुढ़ापे में लोग शांति की तलाश में रहते हैं और एक आप है जो रोज कोई नया बखेड़ा ढूंढते रहते हैं। शांत हो गया था ना बापोदरा, पुष्पा और उसके परिवार के साथ शांत हो गया था ना? ये जानते हुए भी कि वो दिलीप पटेल का परिवार है जिसने बापोदरा की ये हालत की थी, फिर भी। लेकिन उसके बेटे ने जब भागकर बापोदरा की बेटी से शादी की तो क्या करता बापोदरा? बापोदरा को बापोदरा की बेटी से दूर किया। उसके जिम्मेदार आप है, चिराग, प्रार्थना या पुष्पा नहीं। अरे अपनी जवान बेटी की शादी करवाने चले थे आप उसकी मर्जी के खिलाफ, तो क्या करती वो? तो क्या चाहती है तू? बापोदरा अपनी बेटी को कुएं में कूदते देखते रहता? अरे गुनहगारों का घर बनता जा रही है, दिखता नहीं तुझे? अब तो क्राइम मास्टर दिलीप पटेल भी आ गया इस घर में रहने। ऐसे घर में रखे कि तू अपनी बेटी को, देखना एक मिनट भी शांति नहीं मिलने वाली इस घर में। अरे भगवान नो पाल मान कि बेटी घर वापस आ गई। वो सब आप नक्की मत कीजिए। अरे शादी हो गई है उसकी, अब आप उस पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बापोदरा क्या कर सकता है, ये तू नक्की करेगी? ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए, और मुझे जो करना है वो मैं नक्की करूंगी। कि एक बात याद रखिए, अब दुनिया की कोई भी ताकत चिराग और प्रार्थना को अलग नहीं कर सकती। चल प्रार्थना। चिराग, हम डैड को कहाँ रखेंगे? अश्वन भाई और दीप्ति भाभी नहीं है तो हम इन्हें उनके रूम में रखेंगे। चिराग, मुझे लगता है कि ये हॉल में रहेंगे वो ज्यादा सही रहेगा, मतलब हमारी नजर भी रहेगी, अगर
बाथरूम ले जाना तो वो भी आसान पड़ेगा। मम्मी तू क्या बोलती है? मम्मी पैर हॉल में रहेंगे वो ठीक है ना? तू हॉल की बात कर रही है? अरे सब मैं घर में नहीं रखना चाहती, लेकिन अब आ गया है तो इतना याद रखना, मैं नहीं जाऊंगी इसके सामने। तू बेडरूम में रह लेना पहले की तरह, मैं दादा चिराग यहाँ पे रह लेंगे। मम्मी को क्या हो गया है यार? राशि मम्मी सदमे में है यार, अचानक ऐसे पापा को तू घर ले आएगी तो? और कोई चारा था क्या चिराग? हाँ ठीक है, लेकिन हमें मम्मी को संभालना होगा, तू बस उस पर भड़कना मत, उसे थोड़ा स्पेस दे, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और इन्हें तो हमें ही संभालना पड़ेगा। तो ठीक है, तू उनके मेडिसिन का, उन्हें टॉयलेट ले जाना, नहलाना वगैरह तू देख ले, मैं फिजियो एक्सरसाइज और आउटसाइड वॉकिंग्स देख लूंगी। तेरा खोटा सिक्का घर पहुंच गया पुष्पा, वहां सब ठीक है ना? तू कहां चला गया जुगल? मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुझे जाने से नहीं रोका। अचानक क्या हो गया पुष्पा? दिलीप इधर नहीं रहेगा। पर पापा आपने तो हाँ कहा था, और इसीलिए तो इनको अब मन बदल गया बापोतरा का। आप इसे एंड मोमेंट पे मना कर देंगे तो कहां जाएंगे डैड? जिधर जाना है उधर जाए, ये ताना बाना बापोतरा की प्रॉपर्टी, इधर नहीं रहेगा ये क्राइम मास्टर दिलीप। तो ये हमारे घर पे रहेंगे। तू यहाँ होता तो कितना सहारा होता मुझे, तू क्यों चला गया जुगल? मेरी बात सुन, तू पहले शांत हो जा, संभाल अपने आप को पुष्पा। देख अब जो है सो है, दिलीप घर में आ गया है, अब तुझे हिम्मत से परिस्थिति का सामना करना होगा। तू अपना दिमाग ठंडा रख, दिमाग ठंडा रख, शांत होके सोचेगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ताना बाना खाली है ना, दिलीप वहां नहीं रह सकता, लेकिन तू तो रह सकती है, बापोतरा जी तुझे मना नहीं करेंगे। पुष्पा तू ऐसे टूट जाएगी तो कैसे चलेगा? देख तू जो भी कुछ कर रही है राशि के लिए कर रही है ना, मानता हूं कठिन है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के लिए ये सब नहीं करेगी तो कौन करेगा? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुझसे बाद में बात करूंगी काकू। अपना ख्याल रखना, और कुछ भी हो मुझे कॉल करने से झिझकना मत। राशि आप मुझे देख रहे हैं ना, मुझे सुन रहे हैं ना? आई नो कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, हम आपको ठीक करेंगे, आप फिर से अपने पैर पर खड़े होंगे, चलेंगे, आप फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। डैड कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले की तरह हो जाए, और आप होंगे डैड, आई प्रॉमिस यू, आपकी बेटी का प्रॉमिस है ये आपसे, और आपको मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा, आप राशि के लिए ठीक होंगे, आपकी बेटी के लिए। ओके क्या लगता है राशि, ये ठीक होंगे क्या? ऑफ कोर्स ठीक होना पड़ेगा इन्हें, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि इन्हें परिवार का प्यार मिलेगा तो जल्दी रिकवर होंगे, मैं जगाऊंगी इनमें होप्स,
मैं कुछ भी करके इन्हें ठीक करूंगी, देखना। जल्द से जल्दी हमारे साथ बातें भी करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे भी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।